बल्ले का बाहरी किनारा और यहां पे कीपर और फर्स्ट हमारे ओखतर एक्सीलेंट बैटिंग चमत्कार का शॉट एकत्र दो खिलाड़ी बाज बड़ा बोल एकत्र किंतु जे बॉलर चा पाउना ता मिटिए देबेन कोलाई गन क्वेश्चन फिर एक बार रंजीत को तो पहली गेंद से भी चौका आया था पांच ओवर में 50 का टारगेट व्हाइट के साथ यहां पे स्टार्ट करेंगे इस मैच के दोनों ऑफिशियल एक तरफ रिंटू था और दूसरी तरफ उज्जवल सर चलिए फिर का शानदार फील्डिंग यहां पे बेहतरीन फील्डिंग कुछ इसी तरह से आपको फील करना पड़ेगा इस मैच में बड़ा मुकाबला लो स्कोरिंग मैच है जो स्कोर आप चाहते थे उस स्कोर तक आप पहुंच नहीं पाए हैं उस 60-65 तक आप पहुंच नहीं पाए हैं तो 10 रन बिल्कुल अब कम है आपके आपके सिर्फ 50 है तो 50 के अंदर आपको फाइट करना है ना तो कुछ इकोनॉमिकल ओवर चाहिए कुछ अच्छी फील्डिंग चाहिए आपको बल्ले का बाहरी किनारा और यहां पे कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच में से रफ्तार के साथ गेंद निकलती चली जाएगी मिल जाएगा चौका फिर एक बार पब्लो को 4 रन शानदार गेंद यहां पे घुमाव देखी है कटर देखी है अच्छी गेंदबाजी लगातार यहां पर उसी लाइन और उसी लेंथ को हिट करते हुए शॉट ऑफ गुड लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बबलू को मजबूर कर रहे हैं कि खेलना है तो सीधा खेलिए इस मतलब फिर एक बार घुमाव वो कहते हैं ना ढूंढो ढूंढो रे साजना वही चल रही है अब ये पूरी तरह से पिच के अंदर गजब की गेंदबाजी ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति और दो ओवर के पश्चात माफ कीजिएगा एक ओवर की समाप्ति एक के बाद रन संख्या टोटल 5 आफ्टर वन ओवर स्कोर फर्स्ट ओवर पूरी समाप्ति है कहते किंतु द्वितीय ओवर चूर्ण बोला तो नहीं आता वही चौकर करण क्या करण स्ट्राइक टू का আবারও ওখান থেকে এক্সিলেন্ট ব্যাটিং চমৎকার একটা শট এক্ষেত্রে দুই খেলোয়াড়ের মাঝ বরাবর বিদ্যুতের গতিতে বল চাপে সরাসরি সীমা রেখার ওপারে টুকাই চারটি রান সো ফার্স্ট বল থেকে যেখানে কিন্তু বাউন্ডারি সেকেন্ড ডেলিভারি এক্ষেত্রে কিন্তু ফলিং সুইট খেলা চেষ্টা ওখান থেকে ডট বল আবারও ওখান থেকে এক্সিলেন্ট ফিল্ডিং দেবেশ মাঝি প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজের সবটুকু নিগড়ে দিচ্ছেন পুরো নিজের শরীরটাকে ওখানে কিন্তু বারংবার শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছেন দেবেশ এক্সিলেন্ট ফিল্ডিং আবারও ওখান থেকে ওয়ান্স এগেইন ওয়ান্স মোর শুধুমাত্র নামের অবশ্যই ওখানে কিন্তু ঘটেছে পরিবর্তন কিন্তু কোথাও না কোথাও ফার্স্ট ওভার থেকে যে চেনা ছন্দে আমরা সাকিবকে দেখেছিলাম এবং দ্বিতীয় ওভারে ঠিক সেই চেনা ছন্দে ওখানে কিন্তু বল করে যাচ্ছেন দাপটটা বারংবার দেখাচ্ছেন কারণ আমার ওখান থেকে চমৎকার ডেলিভারি বিগত দুটো বল থেকে যেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম লেগ কাটার এক্ষেত্রে কিন্তু বলতে পারি বল পরে খানিকটা ইন হয়েছে বুঝে উঠতে পারেননি ওখান থেকে ব্যাটার প্রত্যেকটা মুহূর্তে ডট বলের পরিসংখ্যান বাড়ছে চলমান দ্বিতীয় ওভার এক্ষেত্রে কিন্তু যে বলের যা পাওনা তা মিটিয়ে দেবেন কড়ায় গন্ডায় সুযোগ ছিল সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন 4 রানের জন্য বল যাবে সরাসরি আবারও দর্শকদের খাতে 4টি রান বাবলু बिल्कुल फील्डिंग प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक फील्डर को स्लिप पे तैनात किया गया है स्लिप गली पॉइंट कवर पहली गेंद और पहली ही गेंद में हल्ला बोला है यहाँ पे रंजीत कोफ ने बबलू का बल्ला से निकला ये विस्फोटक चौका 4 रन पहली गेंद फिर एक बार रंजीत कोफ तो पहली गेंद से भी चौका आया था दूसरी गेंद से भी चौका आया है बबलू जानते हैं प्रेशर बिल्कुल लेना नहीं चाहते हैं विपक्षी टीम को अगर आप हाथ पकड़ने का मौका देंगे ना विपक्षी टीम हाथ नहीं पकड़ेगा विपक्षी भैया गर्दन पकड़ेगा तो इसीलिए हाथ पकड़ने का भी मौका नहीं देना चाहते हैं दो गेंद दो चौका बबलू का ये मैच गेंदबाज अविनाश कप्तान साहब थोड़ा सा प्रेशर में कमबैक करना होगा अच्छी गेंद यहाँ पे गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती चली गई गई बबलू व्हाइट की मांग कर रहे थे लेकिन ऑफिशियल कह रहे हैं कि मिगल डिलीवरी है पहली तीन गेंद से चलते यहाँ पे नो बॉल करार देते हुए तो बिल्कुल अतिरिक्त खाते में और एक रन इसी के साथ स्कोर जब पहुंची है 22 तक
22 तक पहुंची स्कोर। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पर, पांच ओवर का मुकाबला, 30 गेंदों का ये खेल। दुर्गापुर चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय सिटी बॉयज। एक नया साल, एक क्या गजब का वातावरण, क्या गजब का एटमोस्फियर। यहाँ पे अपील तो हो गया ऑफिशियल, थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, तो समझ लेंगे। लेकिन जो भी फैसला हो वो फैसला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच के लिहाज से। बबलू सेट बल्लेबाज के रूप में क्रीज में तैनात है। बिल्कुल अपेक्ष कर रहा हूँ जितने भी खिलाड़ी हमारे मेन स्टेज के सामने खड़े हुए हैं, थोड़ा साइड में आ जाइए प्लीज। स्टंप के बाहर की गेंद वाइड करार देते हुए, पहली दो गेंदों में जो दो चौका आया था, उस दो चौका के बावजूद ना बबलू थोड़ा सा अपने उस प्रेशर को और ज्यादा रिलीज करना चाहते हैं। अविनाश चाहते हैं कि बिंदी गेंद डालने के मूड में है, लेकिन तार वहां से एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे हैं। ये शानदार शॉट है, मिल जाएगा फिर एक बार बाउंड्री। चलिए इस बार तो डॉट बॉल बिंदी गेंद, और इसी के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति। तीन के बाद 27 तो जीतने के लिए 12 बॉल में आपको चाहिए और 23 रन, 23 नीडेड फ्रॉम लास्ट 12। अच्छी फील्डिंग वहां पे, चलिए और एक बिंदी के इंसान दार गेंदबाजी, यहाँ पे गजब का गेंदबाजी। कुछ इसी प्रकार की आपको डॉट बॉल चाहिए अगर आपको मैच में बना रहना है तो। WDL बबलू को लौटना पड़ेगा। चलिए मुश्किल परिस्थिति में बबलू अपना विकेट को फेंक के आएंगे वापिस। WDL प्रीवियस ओवर में मैच संजीत लवर्स के पक्ष में झुका था। किसके नाम 10 गेंदों से चाहिए 21 है दुर्गापुर चैंपियंस ट्रॉफी। आंसु सांतो, इनको सेट होने के लिए समय नहीं लगता है, ये आएंगे ये छाएंगे, मानो मैदान के बाहर से ही सेट होके आए हैं। पहली गेंद पहला चौका सुशांतो, इंपॉर्टेंट इस मैच के लिहाज से। पीछे कीपर, रन नहीं मिलेगा आपको, डॉट बॉल। आठ बॉल, 8 गेंद 17 दुर्गापुर चैंपियंस ट्रॉफी। जब भी ये टूर्नामेंट मैदान में आया है, जब भी ये टूर्नामेंट है, हमने देखा है, हर दर्शकों के दिलों में राज किया है, इसीलिए तो नाम चैंपियंस ट्रॉफी रखा गया है। लेकिन इस बार दबाव वाइट बॉल, चलिए एक्स्ट्रा के रूप में और एक रन। अब 17 नहीं, अब वहां से एक रन और घटेगा, अब चाहिए 16, 8 में 16। ये कड़क शॉट है और फील्डिंग देखिए भाई साहब, वो गंगा नदी में जिस तरह से हम गोता लगाते हैं ना, मानो गंगा नदी में गोता लगाया, अपने शरीर को फेंका, गेंद को रोका, क्या गजब का फील्डिंग वहां पे। भैया उम्र तो बस एक संख्या है, ये लिविंग लेजेंड है, शॉर्ट हैंड क्रिकेट हो या फिर लॉन्ग क्रिकेट, ये खिलाड़ी सुपरस्टार है, ये खिलाड़ी बंगाल क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, कमाल का ये सेव। भाई साहब करना क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, ना उनको समझ आया, ना हमें समझ आया, ना दर्शकों को समझ आया, बस एक ही चीज कहेंगे, मोए मोए मोमेंट, बिल्कुल मोए मोए मोमेंट हुआ यहाँ पे। बॉल 15 रन, पहली गेंद रिवर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीछे वही खिलाड़ी, अब जहां भी गेंद को भेजेंगे वहां देवेश माझी को पाएंगे। आज तो हमने इस इनिंग में बस यही दृश्य देखा है। देवेश 5 बॉल में चाहिए 15, मतलब 5 गेंदों में आपको 4 चौका कैसे भी करके लगाना है, कहीं से भी हो। फिर एक बार कीपर आकाश, भैया नाम आकाश है लेकिन धरती में यह खिलाड़ी ने कमाल किया है, बिल्कुल
नाम आकाश है लेकिन धरती में ये खिलाड़ी ने कमाल किया है, अपने शरीर को नीचे फेंका, गेंद को रोका और बल्लेबाज को टाटा बाय बाय अलविदा कहा। लौटना होगा यहाँ पे सुशांतो बैक टू पवेलियन। लेकिन ये शॉट देखी है, नो वन कैन बीट मी अंटिल आई बीट माइसेल्फ, ये कहा है अंजन ने। मुझे कोई नहीं हरा सकता है जब तक मैं खुद हार ना मान जाऊं, ये कहा है अंजन ने। मिला चौका, अंजन के बल्ले से आएगी ये टीम। अंजन, ये क्या शॉट था, ओ माय गॉड। अरे जनाब, शॉट ऐसा मारो कि पूरा दर्शक, शॉट ऐसा मारो कि पूरा गैलरी ताली बजाने लगे। ये अंजन की कमाल है, अंजन स्पेशलिस्ट द फिनिशर, ये कहना होगा आपको। क्या गजब का शॉट सुनील, अंजन मारना चाहते थे लेग साइड में लेकिन अंतिम समय में अपने शॉट को चेंज किया है। और चलिए डॉट बॉल आया है, अब एक बॉल में चाहिए सात रन, एक गेंद एक बॉल सात रन। चौका आएगा लेकिन फिर एक बार सपना टूटेगा, फिर एक बार दिल टूटेगा। दुर्गापुर चैंपियंस ट्रॉफी से फिर एक बार खाली हाथ वापिस लौटना पड़ेगा।